वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने गुरुवार को दैनिक रूप से कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी सहित अन्य सामानों को बेचने वाले पटरी दुकानदारों, पंजीकृत श्रमिक के अतिरिक्त अन्य श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा व ई रिक्शा चालक, कूली, पल्लेदार, नाविक, नाई, धोबी, मोची, हलवाई सहित रोज कमाकर खाने वाले परिवारों को प्रति परिवार 1,000 रुपए की धनराशि प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता प्रदान किए जाने के संबंध में कार्रवाई पूर्ण करने एवं लाभार्थियों का डाटा संकलन सॉफ्टवेयर पर फीडिंग धनराशि की ट्रांसफर की प्रक्रिया व समुचित जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और कहा कि संबंधित लाभार्थियों का सूची सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव ने प्रवासी श्रमिकों को स्कैनिंग एवं डाटा फीडिंग, सरकारी कम्युनिटी किचन का संचालन एवं फूड पैकेट का वितरण तथा आवंटित बजट के सापेक्ष बजट की समीक्षा भी की। गोरखपुर में NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यान, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, अपर जिलाधिकारी फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बलिया सर नहीं बोलते क्रम में 18 मई को मुख्य सचिव महोदय के हस्ताक्षर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीओ जारी हुआ था। इसमें से 3 जीओ जारी हुए थे। एक तो 3 माह का निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए, दूसरा है कि पंजीकृत श्रमिकों को लेबर चेक से उनको 1,000 रुपया भत्ता देने के लिए, और पंजीकृत तमाम अन्य श्रमिकों के लिए जिसके लिए ये कमिटी भी गठन हुआ है उसके संबंध में, जिस विच इंक्लूड्स प्रवासी मजदूर, उसके संबंध में आज बैठक है क्योंकि उसकी संख्या भी बहुत बड़ी है। ये जीओ आपके समक्ष होगा, आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग अ कॉपी। उसमें लिखा है कि दैनिक रूप से कार्य करने अपना जीविकोपार्जन करने वाले ठेला, कुंजा, रेहड़ी, खोका आदि लगाने वाले पटरी दुकानदार, पंजीकृत श्रमिक के अतिरिक्त अन्य श्रमिकों, तमाम दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा, ई रिक्शा चालक, कूली, पल्लेदार, नाविक, नाई, धोबी, मोची, हलवाई और कृपया आदि का शब्द बड़े ध्यान से सुन लें, रोजगार कमाकर खाने वालों को प्रति परिवार 1,000 रुपए की धनराशि इनिशियली इट इज फिलहाल 1 माह के लिए दिए जाने का निर्णय लिया गया है। भविष्य में अगर कोई इसको एक्सेप्ट करने का कोई निर्णय होता है तो उसको अलग से पत्र सूचित किया जाएगा। इस आदि का शब्द बहुत जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो गाँव होता है, कुम्हार है, फिर उसके बाद लोहार है, इस तरह का अपने तमाम तरह का कैटेगरीज हो सकता है जो यहाँ लिखने में छूट गया है, इसमें ये सब आदि लिखा गया है और आपको कल्याण का अवसर भी दिया जा रहा है उस फॉर्मेट में आपको एडिशनल कैटेगरीज भरने के लिए। तो इस क्रियान्वयन और प्रॉपर फिजिकल के लिए ये महत्वपूर्ण कमिटी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में गठन किया गया है जिसमें मुख्य विकास अधिकारी सदस्य सचिव है, जिलाधिकारी 4 सदस्य है, मुख्य कोषाधिकारी क्योंकि ये पहली बार ई कुबेर के माध्यम से धनराशि सीधे बैंक अकाउंट में लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जाना है, नगर आयुक्त सदस्य जो नगर क्षेत्र के जितने लोग हैं उनको चिन्हित करने के लिए, नगर मैजिस्ट्रेट उनके सहायता के लिए सदस्य के रूप में रखा गया, जिला पूर्ति अधिकारी DPRO और जिला सूचना विज्ञान अधिकारी क्योंकि ये समस्त सॉफ्टवेयर NIC के माध्यम से चल रहा है, सो तकनीकी सदस्य NIC के अधिकारी होंगे। इसमें जब से ये जीओ जारी हुआ है और इसमें ये भी मैंडेट किया गया है कि एक्सेल फॉर्मेट में नहीं भरा जाएगा बल्कि सीधे राहत के पोर्टल से भरा जाएगा। 2-3 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ये आवश्यक क्वारी आया था मेरे पास कि एक्सेल फॉर्मेट में क्यों नहीं होना चाहिए, वाईफाई ओनली द राहत पोर्टल। इसमें 2-3 चीजें आपके सामने पहले रखना चाहते हैं, जो भी आप फॉर्मेट्स आपकी इस rahat.up.nic.in में जो फॉर्मेट निर्धारित किया गया है उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करके चेक कर सकते हैं, लेकिन जब वापस आप करेंगे उसको यथावत अपलोड करने के बजाय यू हैव टू री एंटर इट इन द राहत पोर्टल।
उसका दो तीन एडवांटेजेस मेजर, इसमें आधार वेरिफिकेशन के साथ ही राहत पोर्टल पहली बार उसको लिंक कर दिया गया है। जहाँ जहाँ आधार कार्ड आईडी आपने जहाँ जहाँ तक संभव हो, आधार इज नॉट मैंडेटेड, लेकिन आधार जहाँ भी संभव हो आप प्रयास करें कि आधार कार्ड लिंक करें, क्योंकि उसके आधार वेरिफिकेशन के साथ ये राहत वेबसाइट अब लिंक हो चुका है। दूसरी चीज है, आप सभी को मालूम है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को आप डिजिटल कोड एक मिल गया है, दिस कॉल लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी, जो प्रत्येक ग्राम पंचायत को इसमें एक डिजिटल कोड मिला हुआ है। तो राहत का जो ये वेबसाइट है, फॉर्मेट है, इस लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी के डिजिटल कोड के साथ ये लिंक्ड अप है। तो इसलिए जब एक बार आप उसमें डेटा एंट्री करेंगे, आपको अच्छी तरह मालूम है कि प्रत्येक गाँव में किस तरह का ट्रेडिशनल क्राफ्ट उपलब्ध है। उसके बाद आपको भविष्य में नॉट ओनली फॉर दिस 1000 रुपीज, भविष्य में आपको कोई भी काम आपको करना हो तो आपको इस प्रकार के नीडी गरीब लोगों को चिन्हांकन बहुत आसान हो जाएगा। ये आप लोग भी उसको यूज कर सकते हैं, कोई भी उसको यूज कर सकते हैं, इसीलिए लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी के साथ इसको लिंक कर दिया गया है। इसी प्रकार इसको नगर पालिका के साथ भी लिंकअप हो गया है, जहाँ तक उनके पास कोडिंग है, नगर पालिका, नगर निगम, इन सबके डेटा के साथ भी वो लिंक है। दूसरा है कि इसमें एक एडवांटेज है कि ये जो लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी का 2016-17 के बाद जो कुछ चेंजेस हुए हैं, संभव है कि चेंजेस हुआ होगा उसके बाद, तो 2016-17 के बाद जो कुछ डायरेक्टरी में चेंजेस हुए हैं, आप इसी समय चिन्हित करके आप अपने लोकल NIC के टेक्निकल पर्सन जो डिस्ट्रिक्ट में उनको बोल देंगे, तो उसी प्रकार हम हाथों हाथ उसको कनेक्ट करते जाएंगे, ताकि एक साथ ये एक्सरसाइज कम्प्लीट हो जाएगा। सुविधा होगी, सभी डिपार्टमेंट्स को इसकी सुविधा होगी, और जब भी हम लोग को राहत भविष्य में पहुंचाना हो, आपको एग्जैक्टली मालूम रहेगा कि किस गांव में किस कैटेगरी के लोग बोल के कुम्हार है, लोहार है, कोई भी गरीब आदमी है, इसमें एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर लेबरर्स इसमें नहीं है, याद रखिए, क्योंकि एग्रीकल्चर तो किसी प्रकार का कोविड में पाबंद ही नहीं। तो जो लोग कोविड में अफेक्ट हुए हैं, जिनकी रोजगार रोजी रोटी अफेक्ट हुआ है, उनका हम इसमें कैटेगराइज कर रहे हैं इसी ट्रेडिशनल क्राफ्ट के साथ। तो इनको कैटेगरी आप जोड़ सकते हैं, बोल के आप जुड़वा सकते हैं, इस सेम अप्लाइज टू द नगर एरिया आल्सो। इसमें हम लोग एक और चीज किया है, मैपिंग ऑफ स्किल्स। आपको अच्छी तरह मालूम है कि लगभग 37 लाख प्रवासी मजदूर जो वापस आए थे फेज 1 ऑफ कोविड में, उन सभी लोगों का स्किल्स हम लोगों ने मैपिंग किया है, जो बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट आप सभी से सहयोग से रहा है, उसका काफी यूज भी हुआ है। अब की बार भी जितने सारे प्रवासी वापस आए हैं, या जिन जिन लोगों को आप इसमें एंट्री करें, उनका स्किल्स का जरूर मैपिंग उसमें करा लीजिएगा, खासकर प्रवासियों का, ताकि जो लोग वापस आए हैं गांव में, अपनी रोजी रोटी छोड़कर गांव में वापस आए हैं, उनका स्किल्स का मैपिंग करना बहुत जरूरी है, ताकि उनको कहीं भी हम लोग को एम्प्लॉयमेंट करके देना चाहते हैं भविष्य में, ये स्किल मैपिंग आपको बहुत जल्दी ले सकते हैं। आपको पर्याप्त डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए पहले से ही डायरेक्शंस दिया जा चुका है, दैट यू कैन यूज द मनी विच हैज बीन गिवन टू यू अंडर राहत।